Oh yeah, yeah, yeah. Syra. Lahoria production in the mix. Lahoria production in the mix. Lahoria production in the middle. कब तक तेरे नाल लाली पापी पापी कहते नहीं हो यार पकते और तूर कहने दस की पाल दी मेरा प्यारा सोनिया सारा पिंड देखो खड़के गुणा दिस दिन तेरा मेरा प्यारा सोनिया सारा पिंड देखो खड़के गुणा दिस दिन तेरा मेरा प्यारा सोनिया कंजूसी मुंडिया किसे बतिया बता तू हंस हंस के मन कर तारे कट ले नस के किसे बतिया बतारू हंस हंस के मन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में और आज हम बात करेंगे एलियन कॉन्विनेंट मूवी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम डेविड को देखते हैं जिसे एक आदमी ने बनाया होता है। एक दिन डेविड अपने एक क्रिएटर से पूछता है कि एक बात मेरी समझ नहीं आई, मुझे आपने बनाया तभी मैं इस दुनिया में आ पाया हूँ, लेकिन आपको किसने बनाया? तो वो आदमी कहता है कि इस बात का जवाब तो मुझे भी नहीं मिला, मुझे भी उस आदमी के बारे में जानना है जिसने मुझे बनाया है और जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए। डेविड कहता है कि मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ और कहता है कि आपकी उम्र तो बढ़ती रहेगी और एक दिन आप मारे भी जाओगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं फिल्म ब्लैक शिप को जो साल 2006 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत थोड़ी सस्पिशियस है। इसमें सबसे पहले एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जिसमें बेहद घिनौना सा दिखने वाला जॉम्बी शिप का बच्चा नजर आता है जो एक बॉटल से बाहर निकलकर लोगों को काटने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक परिवार को जिसमें एक बच्चा हेनरी, उसके पिता और उसके भाई एंगर्स दिखाई देते हैं जो शिप की फार्मिंग करते हैं। हेनरी इस काम में एक्सपर्ट होता है जिसकी वजह से उसके फादर उसे लाइक करते हैं और उसकी काफ़ी तारीफ भी करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मूवी दिबग की। फिल्म की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट से जो अपने शिप के लैब में सुपर बग बनाने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि भविष्य में इसको लेकर प्रोटीन की डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी। वो इस काम में लग जाता है और धीरे धीरे वो हाई क्वालिटी प्रोटीन बनाने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन उसकी मेहनत पर तब पानी फिर जाता है जब इस प्रोटीन के बनाने के बाद भी उसके सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है और रेड अलर्ट दिखाई देने लगता है। इसके बाद जो नज़ारा दिखाई देता है वो बेहद भयानक होता है। दरअसल रेड अलर्ट के बाद सुपर बग्स बॉक्स से बाहर आने लगते हैं। इसके बाद वो साइंटिस्ट उन्हें हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं फिल्म कैबिन फीवर के बारे में जिसके सबसे पहले सीन में दिखाया जाता है एक ऐसे इंसान को जिसका नाम हेनरी होता है। वो अपने कुत्ते को खाने के लिए कोई ना कोई जानवर शिकार करके लाता है। एक दिन वो अपने डॉग के लिए खरगोश का शिकार कर लाता है लेकिन उसे एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि वो कुछ समय के लिए सदमे में रह जाता है। दरअसल उसे उसका कुत्ता मरा हुआ नजर आता है जो इन्फेक्टेड होता है। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसे देखा भी नहीं जा सकता था। वो जब उसे छूने जाता है तो डॉग के ब्लड की कुछ छींटे उस पर पड़ जाती हैं। ये सीन यहीं रुक जाता है। अब दूसरे सीन में पांच दोस्तों को दिखाया जाता है, वो एक कार में बैठकर मस्ती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में और आज हम बात करेंगे डोंट किल मी मूवी के बारे में। दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में एक कपल को दिखाया जाता है जो कि राइडिंग कर रहा होता है। ये दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं। लड़के का नाम रॉबिन होता है, लड़की का नाम मेल्टा होता है। लड़का आंख बंद करके गाड़ी चला रहा होता है कि तभी उसके सामने से एक ट्रैक्टर आ जाता है लेकिन लड़का आसानी से कार को निकाल देता है और फिर वो माइलस्टोन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। दरअसल दोस्तों लड़की के घर वाले रॉबिन से शादी कराने के लिए मान नहीं रहे थे क्योंकि रॉबिन बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ लड़का था। आज हम आपके लिए एक नई फिल्म लेके आए हैं जिसका नाम हॉलोमैन होता है। ये फिल्म 2000 में रिलीज की गई थी। इसे आज हम हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिल्म के पहले सीन में एक साइंटिस्ट नजर आता है जिसका नाम सेबास्टियन होता है। आपको बता दें कि ये पूरी फिल्म का मेन कैरेक्टर होता है। इस साइंटिस्ट ने कई सालों की मेहनत के बाद एक ऐसी मेडिसिन बनाया था जिसके द्वारा किसी भी इंसान या जानवर को गायब किया जा सकता था, लेकिन वो इसका एंटीडोज बनाने में सफल नहीं हो सका था, यानी कि इस दवाई से गायब हुए लोगों को वापस नहीं लाया जा सकता था। वो अब इस पर काम करने लगा था, उसे इसकी खोज करते। आज फिल्म जोकर की बात होने वाली है, जिसमें सबसे पहले एक शहर का सीन दिखाया जाता है जहां अमीर और गरीब दोनों ही वर्ग के लोग एक साथ एक ही शहर में रहते हैं। ये पूरी फिल्म आर्थर नाम के एक शख्स की लाइफ पर बनाई गई है जो अपनी माँ के साथ इसी शहर में रहता है। उसे कॉमेडी करना काफ़ी अच्छा लगता है, वो एक बहुत बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता है। वो जोकर बनकर सभी को हंसाना चाहता है, वो इसके लिए अपनी कोशिश जारी रखता है। फिर एक सीन में दिखाया जाता है कि आर्थर एक कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए काम करने जाता है, इसमें उसे जोकर के रूप में एक साइन बोर्ड को लेकर रोड पर। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है और आज हम नाउ यू सी मी का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है फटाफट से जाकर देख के आओ। तो चलिए अब रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें हॉर्समैन दिखाए जाते हैं जो आई कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं और वो लोग अपने सेकंड मिशन का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें आई कम्युनिटी देने वाली है। इस मिशन में वो बुरे लोगों को एक्सपोज करते हैं और डायलन इनका लीडर होता है, लेकिन उसे लगता है कि वो एक परफेक्ट लीडर नहीं है। लीडर उसे नहीं बल्कि डैनियल को होना चाहिए, इसलिए अब डैनियल खुद ही आई कम्युनिटी से जाके कांटेक्ट करता है। फिर वो एक अजीब सी टनल में जाता है जो उसके मुताबिक आई कम्युनिटी का सेंटर था, लेकिन यहाँ आने पर